दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कैसे अपने जीमेल आईडी का पासवर्ड और मोबाइल नंबर यूजर नेम सारे चीज़ें कैसे चेंज किया जाता है। तो चलते हैं फटाफट सीख लेते हैं सिंपल स्टेप में। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले और चलते हैं फटाफट सीख लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना होगा, तो चलिए इस पर क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। होने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर राइट साइड में जो कि 3 डॉट लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ से डेस्कटॉप मोड सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसके सर्च बार में टाइप करेंगे गूगल अकाउंट और इसको सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। होने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर में एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा गूगल अकाउंट, इस पर क्लिक कर लेंगे। और जैसे ही गूगल अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। होने के बाद यहाँ ऊपर में बहुत सारे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, होम और पर्सनल इन्फ्रो पर क्लिक कर लेंगे यहाँ पे सेकंड नंबर पे। और जैसे ही पर्सनल इन्फ्रो पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा और यहाँ से जो भी आप चाहें ऊपर में देख सकते हैं प्रोफाइल, और यहाँ से अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं, फ़ोटो अपडेट कर सकते हैं, जो भी प्रोफाइल पर फ़ोटो लगाना चाहते हैं, यहाँ से डेट ऑफ बर्थ भी चेंज कर सकते हैं, मोबाइल नंबर पासवर्ड जो भी यहाँ से चाहे चेंज कर सकते हैं। तो चलिए फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको पासवर्ड चेंज करके दिखा देता हूँ। तो जो भी यहाँ से चेंज करना है उस पर क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं पासवर्ड पर क्लिक करके पासवर्ड चेंज कर लेते हैं। जैसे ही पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो एक नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन होकर आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ओपन हो चुका है और यहाँ पर नेक्स्ट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर लेंगे। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं ये ओपन हो जाएगा। होने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ न्यू पासवर्ड, तो इस पर क्लिक करके जो भी आप न्यू पासवर्ड देना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, वो यहाँ पे टाइप कर लेंगे। तो चलिए फॉर एग्जांपल के लिए मैं टाइप कर लेता हूँ। तो जो भी पासवर्ड आप देना चाहते हैं यहाँ बना लेंगे। तो चलिए मैं अपना टाइप कर लेता हूँ दूसरा पासवर्ड, और टाइप करने के बाद फिर से इसी पासवर्ड को यहाँ पर टाइप करेंगे कन्फर्म न्यू पासवर्ड। तो उसी पासवर्ड को दोबारा यहाँ पे आगे डाल देंगे। तो चलिए मैं उसी को फिर से डाल लेता हूँ, और डालने के बाद यहाँ चेंज पासवर्ड पर क्लिक कर देंगे। तो सारे चीज़ें हमने डाल लिया दो बार पासवर्ड, और यहाँ पे चेंज पासवर्ड पर क्लिक कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगा। तो ये पासवर्ड हमारा चेंज हो चुका है। तो ऐसे करके आप जो भी चाहते हैं चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको जो भी मर्जी हो, या तो मोबाइल नंबर, पासवर्ड, या डेट ऑफ बर्थ, सारे चीज़ें यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।